नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अपने वार्डों की समस्याओं के निवारण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए वार्डवासियों की मूलभूत समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से कार्य बेहतर रूप से किया जा सके, इसके लिए निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से नगर पालिका निगम भिलाई अपने वार्ड वासियों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास कर रहा है। इन शिविरों में सभी विभाग से प्रतिनिधि अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन शिविरों में आने वाले आवेदनों को संबंधित विभाग को सौंपकर त्वरित रूप से निराकरण कराने निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा आदेशित भी किया गया है। ऐसा ही शिविर जोन क्रमांक 3 अंतर्गत आने वाले मदर टेरेसा नगर में शुक्रवार को लगाया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर एवं अन्य कई मामलों के आवेदन प्राप्त हुए। मदर टेरेसा नगर में लगाए गए वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में एक हितग्राही ने आवेदन के माध्यम से एक कंपनी पर अपने बकाया पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और इन शिविरों को लगातार निरीक्षण कर रहे निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली। मामले की जानकारी हितग्राही नंद कुमार ने ग्रैंड एसीएन न्यूज टीम को दी है। साथ ही निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने इस शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे शिविरों में आए आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। आज मैं यहाँ मुख्यमंत्री जोन की मदद जो हमारे वार्ड 32 बैगम धाम में आज जन समस्या शिविर लगा, जिसमें मैंने माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जन समस्या निवारण शिविर में मैंने अपने विषय को लेकर जो दिया है संदर्भ में सिंप्लेक्स काम सुजीत लिमिटेड में पूर्व में रह रहा हूँ, वहाँ मैंने काम कराया है। उससे पैसा मेरा नहीं देने के जीवन अपने समस्या उत्पन्न होने और उनके द्वारा घटित आने की मैंने शिकायत दर्ज कराई, जिससे कि यह थी कि इसमें मैंने पूर्व में भी ये जो पूर्व करीब 2-3 वर्ष पहले भी मैंने जन समस्या में कलेक्टर महोदय दिलीप को मैंने ज्ञापन घोषित किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई। जिला उद्योग व्यापार ने मतलब कार्रवाई किया, जिसने सिंपलेस का स्पष्टीकरण दिया कि हमारा कोई बकाया जिनसे लेन देन नहीं है, क्योंकि मेरा मामला 22 लाख के आसपास का है। आज मेरी वर्तमान व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है, जीवन अपनी समस्या उत्पन्न। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आवश्यक मेरा आवेदन लेकर इसमें आवश्यक नहीं दिया है कि उन्होंने बोला कि इसको हम तहसीलदार SDM अच्छा कलेक्टर साहब हम इसको फिर से भेज रहे हैं, इसमें पुनः जाँच की जाएगी, इसका इसमें आश्वासन दिया। और ज्ञात हो कि इस मेरे मामले में कंपनी को मामले मेरा है इनकम टैक्स विभाग द्वारा भी नोटिस जारी हुआ है, जिसमें इन लोगों कंपनी सिंप्लेक्स प्रबंधन द्वारा दिखाया गया है कि इनका इनकम टैक्स काट कर TDS काट करके मेरा पूरा अमाउंट दिखा दिया गया कि इनको पेमेंट कर दिया गया, लेकिन इनके लेजर रिपोर्ट के अनुसार जो अमाउंट दिखाया गया है 11 लाख का 12 लाख का, ये लोग से यही पूछा गया कि किस मेरे किस खाते में इन लोगों ने अमाउंट डेबिट किया। इसी से लेकर के कलेक्टर महोदय से और यहाँ जो अभी आयुक्त महोदय आए थे सुरेश दुबे को मैंने ज्ञापन घोषित किया और उनसे निवेदन किया है कि मेरे अपने कृपा दृष्टि को इस समय समय पर हमारे जिला प्रशासन के द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सभी वार्डों में इंद्रजन हित जो योजनाएं रहती हैं उनके समस्या के निवारण के लिए हम जन समस्या शिविर लगाते हैं। इसमें वार्ड के जो पार्षद रहते हैं या अन्य जनप्रतिनिधि रहते हैं उनके साथ में पब्लिक आउटिंग भी करते हैं, उनके समस्या का हम लोग निराकरण भी करते हैं। पहले अलग विषय में अलग अलग लोगों को एप्लीकेशन करते हैं, उसको समय से निराकरण करते हैं। सर आज यहाँ पर लगा है किस तरह के आवेदन आपको देखने को मिल रहे हैं? अभी हम लोग सारे जोनों में शिविर चल रहे हैं, सभी जोनों में लगभग हमारा 14-15 वार्ड है, तो प्रत्येक दिन एक एक वार्ड में कहीं शिविर लग रहे हैं और उसमें मूलभूत जो समस्या रहती है लोगों के राशन कार्ड पेंशन संबंधी या जल का नल कनेक्शन के प्रश्न आ रहे हैं और अन्य प्रकार के विषय भी आ रहे हैं, लेकिन सबका हमें निराकरण। सर ये आंगनबाड़ी परिसर का जो दीवार है आप देख रहे हैं क्षतिग्रस्त है बहुत लंबे समय से, इसको कैसे इसके निराकरण के लिए कैसे? अभी काफ़ी दिनों से ये बहुत पुराना बाउंड्री वाले ऐसा बताया है कि क्षेत्रवासियों ने बुलाया भी कुछ मूलभूत में स्टेट बनाया ताकि अपनी सुरक्षा व्यवस्था आंगनबाड़ी कर सकें और प्रयास है कि जल्दी इसको बनवा सकें। वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर जिस स्थान पर लगाया गया था वहां आंगनबाड़ी एवं पूर्व में वार्ड कार्यालय संचालित होता है और इसकी बाउंड्री वॉल एक लंबे समय से धराशाही हो चुकी है, जिससे इस परिसर में दिन दहाड़े और शाम ढलने के बाद भी असामाजिक तत्व अपनी असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिसे देखकर भी निगम आयुक्त ने बाउंड्री वॉल का तत्काल संधारण करने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। फिलहाल वार्ड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर इसका भरपूर लाभ उठाते देखे गए। ग्रैंड एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।